गाइस, वेलकम टू भवानीज किचन। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छा सा एक रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टोव को जला लिया है। उसके बाद मैं इस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स काट के ली हूँ। यहाँ पे स्मॉल साइज का एक छोटा साइज का टमाटर कटा हुआ, और ये है हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के ली हूँ। और यहाँ पे है 4-5 कली लहसुन, और ये है एक मीडियम साइज का प्याज, और यहाँ पे 3 अंडा मैंने ले लिया हूँ। और इधर मैंने आलू को अच्छे से बारीक काट के रखी हूँ, और मैंने इसीलिए इसको पानी में भिगो कर रखी हूँ क्योंकि ये काला हो जाएगा अगर आप थोड़े देर के बाद बनाते हो। तो दोस्तों, चलिए, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों के तेल। दोस्तों, सरसों के तेल से खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम तेल डाल दिया। ये तेल गर्म होगा, अब ये तेल गर्म हो चुका। और अब मैं इसमें हरी मिर्च और प्याज जो मैं बारीक काट के रखी थी वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। दोस्तों, इसे मैं धीरे धीरे चलाऊंगी, और प्याज को मैं पूरा ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो दोस्तों, इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाएं, धीरे धीरे पकाएं। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये प्याज जल भी सकता है। दोस्तों, प्याज होते होते मैं ये आलू को अभी पानी से उठाकर एक प्लेट पे रख देती हूँ। तो बीच बीच में दोस्तों ये प्याज को चलाते जाएं। दोस्तों, इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएं, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। और दोस्तों, धीरे धीरे इसे चलाते रहें, और अभी इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे आप पकने दे दें। आप देख सकते हो प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुका है अच्छे से, हल्का हल्का सुनहरा कलर हो गया है। दोस्तों, अब मैं इसमें डालूँगी आलू। तो दोस्तों, मैं अभी आलू डाल देती हूँ। दोस्तों, अच्छे से आलू को भी हम अभी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये आलू को भी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दोस्तों, आलू को फ्राई होते होते मैं अभी अंडा को फोड़ लेती हूँ। दोस्तों, मैं अभी अंडा को फोड़ लेती हूँ। ये रहा अंडा। दोस्तों, मैंने 3 अंडा लिया, तो तीनों को अच्छे से मैं फेंट लूँगी। दोस्तों, बीच बीच को ये आलू को चलाते रहे, वरना आलू जल जाएगा। दोस्तों, आलू भी गोल्डन होने को हो गया है। दोस्तों, अभी मैं अंडा को फटाफट से फेंट लेती हूँ। दोस्तों, ये ना मैंने अंडा को फेंट लिया। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी।
दोस्तों ये रहा आप नमक देख सकते हो। दोस्तों आलू आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन और टमाटर। पहले दोस्तों मैं लहसुन डाल देती हूँ, ये रहा लहसुन, और इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे टमाटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया। और इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी भी। दोस्तों ध्यान रखिए गैस का फ्लेम या स्टोव का फ्लेम जो भी हो, जिस पे भी आप पकाते हो खाना, मीडियम रखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इतना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम 10-15 सेकंड तक अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों ऐसे आप इसको अच्छे से चला लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों फिर इसको अच्छे से चारों तरफ में इसको छेड़ दीजिए। दोस्तों इसे हम अभी लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों धीरे धीरे चलाते रहे वरना ये कढ़ाई पे लग जाएगा। दोस्तों इसे आप कढ़ाई के चारों तरफ में ऐसे इसको बिछा दीजिए। दोस्तों अब इसमें आपको डालना होगा ये फेटा हुआ अंडा। दोस्तों इसे ऐसे घुमाते हुए डालिए। और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने दें। चाहे तो कढ़ाई को इसे घुमा सकते हो। दोस्तों अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों अब इसे मीडियम फ्लेम पे आप ऐसे इसको चलाते हुए फ्राई करते रहे। कम से कम आप इसको 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाएं। दोस्तों इसे चलाते रहे वरना ये कढ़ाई पे लग जाएगा और आपका सारा सब्जी ये जो बन रहा है एक भुर्जी, जो दोस्तों इसे अंडा भुर्जी बोलते हैं, ये पूरा जल जाएगा।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा झुरझुरा हो गया है, पूरा सूखा सूखा हो गया। तो दोस्तों मैंने इसे एक दो मिनट तक अच्छे से इसको चलाते हुए पकाया। दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगी रोस्टेड जीरा और धनिया पाउडर, क्रश करके मैं रखी थी और इसे मैं अभी डालूंगी। दोस्तों फिर आप इसको अच्छे से मिला लें। दोस्तों बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट एक भुर्जी है। दोस्तों अब आप इसको गैस का फ्लेम को ऑफ कर दें। दोस्तों अब मैं इसको अभी प्लेट पे निकाल लेती हूँ और ये काफ़ी गर्म है आप देख सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट है आप देख सकते हो। दोस्तों आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा।